हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन, जैसे दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था। यदि आप लोगों को बनता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, नहीं बनता है तो आप लोगों को इसका आंसर इसी वीडियो में दे दिया जाएगा। सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था। बनता है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आप लोग आगे क्वेश्चन को देखिएगा इसका आंसर क्या होता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही डेली वीडियो पाने के लिए। आज का पहला सवाल देखने से पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो साइंस का क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आई होप सभी लोगों से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप लोग को जानना है तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा या आप लोग को गूगल करना होगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, सत्य प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। सत्य प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा मासिनराम, मेघालय में जो है संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, गुरुदेव किस महापुरुष को लोकप्रिय उपनाम है? गुरुदेव ये है, जवाब इसका होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है उपनाम है गुरुदेव, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ये है वित्त मंत्रालय। इसका जवाब क्या होगा, वित्त मंत्रालय जो है अधिकृत करता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, भारत का सबसे बड़ा मैगजीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा मैगजीन उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का सबसे खनिज तेल उत्पादक वाला देश है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चैनल पर अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। अगला सवाल है, किसे विश्व का छत कहा जाता है? ये कहा था पेमीर के पठार को जो है विश्व का छत कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? ये है रेडान गैस। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, विश्व में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? विश्व में अधिकांश वर्षा जो होती है ये पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल जो आप लोग से पूछा गया था, जो स्क्रीन पे दिखाया गया था, उसका आज का सवाल का जवाब हो जाएगा, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? इसका सही जवाब होगा अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में पैदा हुआ था, आप लोग को ध्यान रखना है। ये इंटरेस्टिंग जीके है, ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।